Hey guys, नमकीन सच टीम here और मेरे साथ हैं सैरिश और महक। अब आज हम जाने लिए। तो आज क्या करने वाले? आज सिंधी गाना। सिंधी गाना अल्ले मुझा मारो। तुम सिंधी हो? हाँ मैं सिंधी। तभी मैं इतना एनर्जी में बोल रहा हूँ। आगे से क्या है जल्दी बताओ। ये पुरानी सिंगर थी फौजे सुमरो, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद अली जफर ने इसका रीमेक किया है और बहुत अच्छा किया है। मैं बोलता हूँ कि भाई जबरदस्त है। और उसके साथ है उरूज फातिमा और आबिद बरोही जिसने रैपिंग की, सिंधी रैपिंग। अच्छा रैपिंग की उन्होंने। हाँ स्टार्ट करें। मैंने सुना नहीं, आपने सुना है मतलब पहले। हाँ अच्छा। और सबसे बड़ी बात के सिंधी अजर डे आने वाला है दिसंबर में। दिसंबर पाँच मेरा पाँच महीने मेरा से तो उधर हम लोग सकाफत का दिन होता हमारा, उसमें हम लोग सिंधी अजर वगैरह उन्नीस पहन के बाहर निकलते हैं। हम लोग क्या खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम हैं और हमारा कल्चर अभी जिंदा है। सिंध में जो है वो बेसिकली अजर की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर खुशी हो, खुशी हो अजर दी जाती है। लोग खुशी में इतने क्या करते हैं, हम लोग अजरक देते हैं। अगर कोई आ भी जाता है मेहमान पहली बार जब कोई आता है किसी के घर में तो हम लोग वहाँ पर अजरक दिया जाता है। मैं शायद ये भी सुना है कि अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो जैसे नॉर्मल लोग फ्लावर्स उस पर चढ़ाते हैं तो अजरक उस पर जो है वो कर रहे होते हैं कवर। सो इट्स लाइक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इनका एक कल्चरल ट्रेडिशन है अजरक का।
और दूसरा ये गाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। अली सरफर तो काफी ज्यादा अच्छे सिंगर हैं ही, लेकिन साथ में जो आबिद द्रोही है उनका काम भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो शायद बलोची उससे पहले उन्होंने एक गाना भी गाया था रैप के अंदर, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि अजरक देते हैं, क्योंकि मेरी जब फ्रेंड की शादी थी उसे गिफ्ट में भी उसने ना मतलब गिफ्ट तो था और साथ में ये भी दिया था, और जहाँ तक सवाल है अली जफर का तो मैं तो बोलूँ पहले से ही मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी है, उनकी इनफैक्ट एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे उन्होंने बहुत सारी मूवी में कैटरीना कैफ के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, और मुझे काफी ज्यादा मतलब जो गाना वगैरह और जो पर उनका जो मेन पॉइंट है ना, उन्होंने जैसे कहा था कि मुझे एक्टिंग से ज्यादा ना मुझे सिंगिंग में ज्यादा पसंद है। अच्छा आर्टिस्ट भी है, स्केचिंग वगैरह भी करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। देखो एक इंसान में इतना टैलेंट पर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी नया था और साथ में रैपिंग जो आजकल बहुत चल रही है। अच्छा क्लियर रैपिंग, इसमें गाली गलौज नहीं। कुछ रैपर जो होते हैं वो बोल रहे हैं के बारे में काफी मतलब जो भी नहीं अच्छे मतलब जो वर्ड्स यूज किए, मैं सबटाइटल्स पढ़ रही थी तो काफी वो मीनिंगफुल थे, वो काफी ज्यादा ना स्वीट उसका हाथ पांव चल ही रहा होगा बैठा हुआ चल ही रहा होगा उसका हाथ पांव, तो ये होता है, ये है ही ऐसा ना कि आप खुद को एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल आपको पता है मीनिंग के बारे में, मीनिंग क्या है, ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट करते हैं, इनके वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट करते हैं आपको, तो ये हाँ। तो और ये जब ये आया था सॉन्ग 3-4 घंटे में मेरा सिस ने लाख दूसरे लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे हो गया, व्यूज ऐसे लिए एक घंटे के अंदर, रिक्वेस्ट आ गई थी कि प्लीज इस पे देखो। अच्छा मैंने खुद की, मैंने ना कहा आप आएंगे तो ये होगी, जय रिक्वेस्ट रुक की चाहिए, आप प्लीज सुनिएगा, बहुत 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 अच्छा है। Yes, I hope, guys, आपको हमारा रिएक्शन के साथ साथ गाना ही पसंद आया होगा, तो guys, please, हमारे रिएक्शन से इनका भी सुने, because ये काफी अच्छा था, हमने काफी ज्यादा सुना है, काफी ज्यादा इनसे भी नॉलेज मिली हमको, तो आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा, do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।